स्वागत है आपकी अकेडमी हमारी आंखों को खोलने के लिए साथ में। आप फरमाते हैं कि आप फरमाते हैं कि अगर तुम ये चाहते हो कि अपने से जलाल तुम्हारी जान माल इज्जत और आबरू की हिफाजत करे तो उसकी एक ही शक्ल है कि तू खुदा के दीन का महाफिज बन, खुदा तेरी हिफाजत दीन के अहकाम पर अमल कर रखे थे जब उसके सुचरा उसको कैसे आफियत की जिंदगी आता है। आला बिजली की कल्पना अल्लाह रब्बुल इज्जत को याद करके जिंदगी गुजारेगा तो खुदा तेरे दिल को चैन सुकून की दौलत देता है। आज मुसलमान परेशान है और कैसी अजीब बात है कि मुसलमान मुस्किनी की मौत का उसके दिल में खुदा की मोहब्बत आखिर की फिक्र नहीं है, इसीलिए मौत का खौफ उसके दिल में है। मेरे दोस्तों साथियों मुसलमान ईमान वाला और मुस्किन हो, मुस्किनी और ईमान दोनों एक दिल में जमा नहीं। हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस शरीफ की बात करके गौर करो, फरमाते हैं जब मेरी उम्मत में बिगाड़ पैदा हो जाए और हर तरह की बुराइयां मेरी उम्मत पे जड़ पकड़ दें तो वो आ जाए। मेरी उम्मत के दिलों में कमजोरी पैदा हो जाए। कमजोरी पैदा हो जाएगी इसका क्या मतलब? फरमाया दुनिया व कराहियत मौत। मेरी उम्मत में जब बुराइयां गुनाह आम हो गए तो उनका दिल कमजोर हो जाएगा, एक कमजोरी उनमें पैदा होगी। सहाबा ने पूछा है आपका कमजोरी का क्या मतलब? फरमाया दो चीजें पैदा होगी, नंबर एक दुनिया की मोहब्बत दिलों में घर कर और दूसरी चीज की मौत का खौफ उनको हर वक्त घेरेगा। जिसके दिल में दुनिया की मोहब्बत पैदा हो जाए और जो मौत से डरने लगे याद रखो उससे बाइस्तक जिंदगी का हक छीन लिया जाए। और आज उम्मत उसी दौरा है। मेरे दोस्तों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मोहब्बत करना चाहेंगे तो उसका एक ही तरीका है कि आका की सुन्नतों को। आज फितने हर तरफ से सर उभार रहे हैं, बहुत ऐसे गिरोह भी सामने आ रहे हैं जो उम्मत के अकीदों को खराब और वो लोग जो उम्मत के अकीदे को खराब कर रहे हैं वो हमने खुले किए हैं और हमें बात से पटकाने की। याद रखो उम्मत को जो दीन मिला है, जो कुरान मिला है, जो शरीयत मिली है, जो हदीस मिली है, जो दीन और इस्लाम की जन्नत रैसत आई है वो सहाबे किराम के वास्ते से। हम तक कुरान पहुंचा सहाबा के वास्ते, हम तक हदीसें पहुंची सहाबा के वास्ते, हम तक दीन और शरीयत पहुंची सहाबा के वास्ते। ऐसे गिरोह आज उम्मत में पैदा हो गए हैं जो सहाबा की हैसियत को बताने की कोशिश करते हैं और उम्मत अंगुष्ट नुमाई करते हैं। हालांकि उम्मत के तमाम उलमा का 1407 से ये अकीदा है कि सहाबे किराम जमानत का हर फर्द काबिल इंतजाम और लायक तकदीर। लेकिन फिर भी कुछ गिरोह सहाबे किराम की मोहब्बत उनकी अजमत हमारे दिलों से निकालना चाहते हैं। मैं ये बात कहता हूँ गौर से सुनो, जिसके दिल में सहाबा की अजमत न हो उसके दिल में नबी की मोहब्बत पैदा हो ही नहीं। जिसका दिल सहाबा
जाऊं अल्लाह अकबर के सामने सहाबे किराम की अजमत और उनकी तहारत को कुरान करीम के बयान अल्लाह क्या कहता है अल्लाह का है اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم لمن كتب القران الله كتب لي من اپنے نبی کے صحابہ کا امتحان امتحان خود خدا ہے اور امتحان کیا کرتا صحابہ और अल्लाह साहिब का इम्तिहान नहीं लेता और पता नहीं उनके दिलों का इम्तिहान Okay, now pass it down to half of